से पुलवामा आने के लिए हमें 5 दिन पहले इनसे पूछना पड़ता है, फिर हजारों की तादाद पे ये फौज तैनात करते हैं, फिर तारबंदी होती है, मेरे वर्करों की गाड़ियां 4 किलोमीटर दूर रुकाई जाती है और फिर 4 किलोमीटर मेरे वर्करों को कहा जाता है पैदल चल के आओ। सरकारी फंक्शनों में हमारे लोगों के फेरन उतारे जाते हैं। किसी भी सरकारी फंक्शन में आज लोगों को फेरन पहन के अंदर आने की इजाजत नहीं। कि जम्मू कश्मीर के लोगों का फायदा हुआ क्या? हमारे बेरोजगार नौजवान क्या उनको रोजगार मिला? हमें कहा गया था कि बाकी हिंदुस्तान छोड़िए, पूरे दुनिया से अब लोग आएंगे और यहां कारखाने लगाएंगे। एक उम्मीद के साथ हम मुस्तकबिल की तरफ देख रहे थे, वो उम्मीद हमसे छीनी गई। हमसे कहा गया था कि ये जम्मू कश्मीर के लोगों के बेहतरी के लिए है। हमसे कहा गया था कि इससे जम्मू कश्मीर में तरक्की के नए दरवाजे खुलेंगे, रोजगार के नए दरवाजे खुलेंगे, जम्मू कश्मीर में लोगों को शिकायत का कोई मौका नहीं मिलेगा। और इस फैसले को मुमकिन करने के लिए हम में से कई लोगों को बंद रखा गया, 6 महीने 7 महीने 8 महीने 9 महीने कुछ जेलों में, कुछ गेस्ट हाउसों में, कुछ एमएलए हॉस्टल में। दुनिया को यह कहा गया कि कश्मीर और जम्मू के लोग इस फैसले के साथ हैं क्योंकि आप उनको एक बेहतर मुस्तकबिल नजर आता है। आज हम मजबूर होते हैं ये सवाल पूछने पे कि 5 अगस्त 2019 के बाद क्या बेहतरी आई यहां पे। यहां तो गुलाम नबी आजाद साहब 2.5 साल ही चीफ मिनिस्टर रहे, 2.5 साल में उन्होंने नए जिले भी बनाए, यूनिवर्सिटियां भी बनाई, हज हाउस भी बनाया, तरह तरह की इमारतें खड़ी की 2.5 साल में। हमने भी 6 साल हुकूमत की, 2.5 साल में हमने भी काफी कुछ करके दिखाया। आप हमें बताइए ना, इन 1.5 साल में आपने क्या करके दिया? क्या लोगों को साफ पीने का पानी मिल रहा है? क्या कोई नया अस्पताल खुला? क्या कोई नए स्कूल लगे? क्या कहीं पे नया डिग्री कॉलेज खुला? डराया गया, डराया गया, धमकाया गया, पैसा दिया गया, लालच दी गई उनके ईमान को खरीदने के लिए, क्योंकि लोगों ने अपने वोट से पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया, बंदूक का इस्तेमाल नहीं किया, ग्रेनेड या हड़ताल का इस्तेमाल नहीं किया, अपने वोट का इस्तेमाल किया। जीत हमारी। जो भी है अच्छा है। हमने हमेशा कहा है कि इन दो मुल्कों की दोस्ती में ही न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि पूरे साउथ एशिया की बेहतरी है। अच्छा है कि दोनों मुल्क अब एक दूसरे को धमकी देने के बजाय अब दोस्ती की बात कर रहे हैं। अभी बहुत आगे जाना है, अभी तो फिलहाल करना, उनको उनको मतलब एतमाद में लाना ये हुकूमत का काम है। बदकिस्मती से यहाँ पे फिलहाल तो गवर्नर राज का ही दौर चल रहा है,